हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो तंदूरी चाय तो आप सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने बाहर पिए होंगे, तो आज हम इसे घर में बनाने की ट्राई करेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी बनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चाय के लिए 1 से 1.5 कप पानी ले लेंगे, उसमें शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कीजिए, अगर बहुत मीठा पीते हो तो अपने हिसाब से और कम तो अपने हिसाब से, और चाय की पत्ती 1.5 चम्मच, 3 से 4 इलायची, इलायची को मैंने वो कर ली थी, उसका छिलका निकाल दी थी और ऐसी रख डाली थी, और ये अदरक है 2 से 3 टुकड़े अदरक के बारीक बारीक करके मैंने छुरी से उसमें वो कर ली, कूट ली। तो अदरक, इलायची, चाय की पत्ती, शक्कर डाल के हम चाय को अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हम दूध ऐड करेंगे और दूध डाल के हम इसे 1-2 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी चाय अच्छे से पक रही है, चाय बनी भी बहुत अच्छी थी। साथ ही मैंने दूसरे गैस पर कूलर जो है, मिट्टी का कूलर है, इसे मैंने गर्म होने रख दी थी, तो हम दूसरे बर्तन में ये कूलर को रखेंगे और हमारी चाय को अच्छे से छान लेंगे उसके ऊपर ही। ये जो एक्स्ट्रा बाहर गिर रही है ये भी हम यूज़ करेंगे, इसी से इसका तंदूरी फ्लेवर आता है। तो ये अब मैंने चाय को अच्छे से छान ली, अब हम इसे कूलर में ही सर्व करेंगे, बिल्कुल बाहर जैसा। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।